पार्टी ने मुझे यहाँ, क्योंकि अपना पुराना नाता रहा है, पार्टी का हुक्म हुआ कि लोकसभा चुनाव सिरसा से लड़े। मुझे खुशी है कि फिर से यहाँ पर सिरसा के लोगों ने जो इतना प्यार और आशीर्वाद दिया था, फिर से यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए मैं आई हूँ। दो चरणों में जो चुनाव हुए, वोटिंग कम हुई है। वोटिंग हमारी 25 मई को सिरसा में, तब तक हम हर जगह पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे, मेरा प्रयास होगा। लेकिन हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, वो सब लोगों के पास जा कर उनसे वोट मांगेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे। आज के दिन के जो हालात हैं वो लोगों के सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए यहाँ पर वोट हम मांगेंगे, हाथ जोड़कर सबसे वोट मांगेंगे। मैडम, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सरकार आंख मीच कर बैठी है। उन्हें ये जो एक कड़वी सच्चाई उनके सामने मुंह बाए खड़ी है, वो उन्हें नज़र नहीं आ रही। लेकिन लोग इस बात का एहसास इस सरकार को ज़रूर कराएंगे, जो कि अंधी और बहरी हो चुकी है। हाँ।